सर आज हमारे पास काफी ज्यादा तगड़े तगड़े स्मार्टफोन है, दो दो जो कि एक आईफोन 11 और एक है आईफोन 10R। तो दोनों को भिड़ा के एक बार चेक कर लेते भाई घमासान यूज करके कि कौन सा फोन इस टाइम पर लेना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और देखो मुझे तो आंसर पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इस फाइट का निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आप लोगों भाई जानने के लिए ऐसे बने रहना पूरी वीडियो के अंदर। और अगर आप पहली बार चैनल को डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं सबसे पहली चीज की तरफ। एंड नाउ अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। सो गाइस यार आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है भाई आईफोन 14 फाइनली लॉन्च होने वाला है। तो भाई देखो जब हम लोग भाई फोन शिफ्ट करते हैं ऑब्वियसली यार आपको ना अपना जो व्हाट्सएप डेटा उसे भी ट्रांसफर करना पड़ता है, तो यहाँ पे भाई साहब यूज कर सकते हो आप वंडरशेयर की तरफ से मोबाइल ट्रेंड्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोन ट्रांसफर इसके अंदर जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो मैसेजेस फोटोज वीडियोस एंड मोर। और जैसे मैं व्हाट्सएप ट्रांसफर लाइक आपको पता है जैसे डेटा होता है व्हाट्सएप का, ये कभी कभी ना एंड्रॉइड से अगर आप शिफ्ट करो तो दिक्कत देता है या फिर आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई इसके जरिए व्हाट्सएप का आपका डेटा सारा शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही इसके आपको जो है बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक व्हाट्सएप आप अपना बैकअप कर सकते हो, आईट्यून्स हो गया, जो भी डिलीटेड व्हाट्सएप का डेटा है वो भी आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसी चीज के लिए इनकी ना एक एंड्रॉइड के ऊपर एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती है, अगर आपको व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर करना है आप उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो एंड अपना जो डेटा है ट्रांसफर कर सकते हो एक फोन से दूसरे फोन में, जो कि बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है। पर्सनली मुझे वंडरशेयर मोबाइल ट्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है वो मूव टू iOS से ज्यादा बेटर लगा। ओवरऑल ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी हमने भाई वंडरशेयर मोबाइल ट्रेंड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो क्लिक करके और मस्त से बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हो। ओके सो अब बात करेंगे भाई फोन्स के डिजाइन की। और दोनों ही फोन को जब भाई मैंने हाथ में उठाया तो बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल फोन है, देख सकते हो जो डायमेंशन है जो हर एक चीज है भाई वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। लेकिन हाँ जो आपको मेजर चीजें चेंजेस लेंगे, एक तो सबसे पहले एप्पल लोगो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की साइड में आता है बट इसके अंदर जो है नीचे बीच में हो गया, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें डुअल कैमरा सेटअप है और इसमें सिंगल कैमरा सेटअप है। बाकी अगर आप लाइक बॉडी देखोगे तो सेम वही एल्युमिनियम की आपको देखने को मिलती है, वही सेम स्ट्रक्चर है और सामने से भी दोनों ही फोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ डिस्प्ले है। और इवन यही नहीं फोनों के जो वेट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, तो डिजाइन मामले में तो दोनों फोन के अंदर कोई भी ऐसा विजेता नहीं निकल कर आता क्योंकि दोनों ही सिमिलर से आते हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें दोनों फोन की तो भाई आपको नए फोन जो है अभी बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था भाई Amazon के ऊपर iPhone 11 52,000 का आ रहा है, वहीं पे अगर आप Flipkart के ऊपर जाते हो तो Flipkart के ऊपर अराउंड 42,000 का है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। बट स्टिल यार अभी के टाइम पे आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप iPhone 11 या फिर 10R ऑनलाइन जाके नया परचेज करो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगले महीने iPhone 14 आ रहे हैं और भाई उसके बाद आपको पता है 13 और 12 का रेट कम हो जाएगा और 11 का थोड़ा और कम हो सकता है और फिर जो है आपको ज्यादा बेटर डील मिलेगी। लेकिन अगर आपका मन है भाई सेकंड हैंड लेने का, सेकंड हैंड का प्राइस बताया तो एक लगभग अंदाज देता हूं कि 20 से लेकर 22 10R का रेट लेके चलो अच्छा फोन, और 11 का रेट लेके चलो अबव 26 या 27 और अंडर 30, उससे ज्यादा ऊपर मत देना पैसा। तो बस यार यही जो रेट चल रहे हैं अभी इस टाइम पर तो इस हिसाब से लेना फोन। सेकंड चीज आती है मेरे फोन के डिस्प्लेस की। अब यहाँ पे भाई देखो 10R और 11 की जो डिस्प्लेस है ना बहुत ही ज्यादा ऐसे बिल्कुल भाई भाई वाली है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक रेटिना IPS पैनल है एप्पल की तरफ से। दोनों की क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी है, कुछ ऐसे मेरे को फर्क नहीं लगा। दोनों के अंदर आपको सेम टाइप ऑफ बेजल देखने को मिल जाती है और लिटरली बता रहा हूं आप सामने से दोनों फोन देखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा फोन कौन सा है, आपको पीछे से मोड़ के देखना पड़ेगा हाँ भाई ये है हमारा iPhone 11 और ये है हमारा iPhone 10R। हर्षित ये दो फोन रखे कौन सा लेगा ना? दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है ना? लेकिन नहीं ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग फोन है, कौन सा लेगा ना? अब वीडियो में आगे कल जाएंगे सब दोस्तों को स्कूल में दिखाई, ठीक है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही डिस्प्ले जो है काफी ज्यादा सिमिलर है, कुछ भी ऐसा फर्क नहीं है। और दोनों डिस्प्ले के अंदर अगर आप कुछ भी कंटेंट प्ले करते हो फॉर मीडिया कंजम्पशन दोनों के अंदर अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक IPS डिस्प्ले बट फिर भी आपको एक जो क्वालिटी वो अच्छी मिल रही है इससे। दोनों फोन के अंदर जो हमारे को 60Hz का एक पैनल देखने को मिलता है, तो जो एक आपकी जो नॉर्मल डे टू डे स्क्रोलिंग होगी ना वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगी। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करते हो जो कि आजकल 120Hz और बड़े बड़े नंबरों के साथ आ रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पीछे लगेगा। बट स्टिल इनके अंदर जो सैंपल रेट होता है ना टच सैंपल वो डबल होता है 120Hz का, थोड़ा सा स्मूथनेस ज्यादा अच्छी आती है डिस्प्ले जब भी आप टच करते हो। तो डिस्प्ले मामले में यार मैं बोलूंगा दोनों फोन सिमिलर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखो दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप नहीं है बट हाँ एक जनरेशन गैप है, क्योंकि हमारे iPhone 10R के अंदर A12 चिपसेट देखने को मिलता है और वहीं पे iPhone 11 के अंदर A13 चिपसेट है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क की बात करो तो आपको कुछ भी इतना बड़ा फर्क नहीं पता चलेगा, सब कुछ जो आपका नॉर्मल चलेगा, एक फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बढ़िया तरीके से चैटे वैटे बढ़िया होंगे रात को। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा हैवी यूजेज करते हो लाइक गेम्स खेलना चाहते हो, BGMI बंद हो गया लेकिन हाँ ऐसे कोई हैवी गेम्स खेलना चाहते हो तो iPhone 11 के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। यहाँ पे हमने भाई एंड्रॉइड रन करा दोनों ही फोन के अंदर अराउंड 20% का हमारे को इंक्रीज देखने को मिला है परफॉर्मेंस में, और ये अगर आप लोग नॉर्मल जैसे बताया उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब अगर आप लोग कोई हैवी टास्क करोगे गेमिंग से रिलेटेड तो उसमें दिक्कत आई, क्योंकि यहां पे देख सकते हो एक बहुत बड़ा जंप है GPU परफॉर्मेंस में दोनों फोन के। लेकिन एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे ना भाई पास से आके वो ये है कि जो दोनों के अंदर मेमोरी का जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा सिमिलर आता है, जैसे देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि दोनों फोन के अंदर NVMe बेस्ड स्टोरेज हमारे को देखने को मिलती है। यार मैंने ना इन दोनों फोन के अंदर एक चीज और नोटिस करी, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो मैं डेफिनेटली
आपको रिकमेंड करूंगा आप आईफोन 11 लो, ये थोड़ा ज्यादा बेटर और स्टेबल परफॉर्म करते हैं ना हाई इंटेंसिव गेम्स, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मुझे पता है आप लोगों को एक्साइटमेंट जो भाई कैमरास के ऊपर है कि भाई फोन के कैमरास का क्या सीन है। देखो भाई अगर यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो वो ऑनलाइन भी है, लेकिन यहाँ पे भाई डायरेक्ट अगर कंपैरिजन करूं मैं दोनों फोटोज को साइड बाय साइड 10R और 11 की, तो यहाँ पे जो भाई 11 की फोटोज ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है 10R के मुकाबले। लाइक ये हर एक सिचुएशन के अंदर हो रहा है, जो मुझे पर्सनली लगा कि लाइक डे लाइट के अंदर हमने फोटोज क्लिक करी, देन हमने भाई इंडोर के अंदर फोटोज क्लिक करी और सारी जगह पे भाई जो 11 है वो बहुत ही ज्यादा ऐसे खूबसूरत फोटोज निकाल के दे रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को भाई कैमरा वाइज देखना है कोई फोन, अगर कैमरा का शौक है आपको आईफोन में लेने का, तो ये जो 11 है वो बहुत बेटर है, क्योंकि इसके अंदर तो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, तो आपका इंस्टाग्राम के अंदर अल्ट्रा वाइड भी चल जाएगा, मतलब ऑब्वियसली वो बेनिफिट दे देगा। और एक और जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है दोनों फोन के अंदर वो है फ्रंट कैमरा के अंदर। तो बेसिकली जो 10R है उसके अंदर 4K 60 नहीं मिलता हमारे को फ्रंट में, बट 11 में मिल जाता है, तो मतलब हल्का सा आपको ज्यादा डिटेल हो गई और अगर आप व्लॉग व्लॉग करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये थोड़ी सी आपकी शांति हो जाएगी कि हाँ भाई फोन में सब कुछ है, तो 11 उसमें बेटर आता है। वो बाहर से आ गए अंदर, और अगर आप बात करें भाई बैटरी की तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों फोन के अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट है। लाइक 10R से 11 के अंदर अराउंड 2942 mAh की बैटरी हमारे को 10R में देखने को मिलती है, और वहीं पे 11 के अंदर है 3110 31 10, बहुत ही ज्यादा अच्छी अंग्रेजी और इंग्लिश का मिश्रण करा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट है और ये आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है इन रियल लाइफ। बट मैं सच बताऊं पर्सनली अगर आप जैसे पुराना फोन ले लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया प्राइसिंग के हिसाब से, तो पुराने फोन के अंदर आप चाहे कोई भी ले लो आपको बैटरी डिग्रेडिंग मिलेगी, आपको ऑब्वियसली वो चेंज कराना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि बैटरी लाइफ हल्की सी आपको बेटर मिल सकती है 11 के अंदर। अब बैटरी भाई कितनी भी अच्छी हो लेकिन चार्जिंग स्पीड अगर अच्छी होगी तो मजा ही आ जाएगा। अब आपको लगेगा ओहो चार्जिंग कितनी है इसके अंदर, तो हमारे जो आईफोन 11 है उसके अंदर 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है और जो 10R है उसमें 15 वॉट की, तो काइंड ऑफ आईफोन की में फास्ट है, बट सच बताऊं तो फास्ट उतना नहीं है जितना आजकल एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं। अब लोगों को यार स्विमिंग पूल में कूदना भाई फोन के साथ बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आपको ऐसा शौक है कि अपने फोन के साथ स्विमिंग पूल में कूदना, तो देखो दोनों फोन के अंदर जो आईपी रेटिंग है थोड़ी डिफरेंट मिलती है। 10R के अंदर IP67 की रेटिंग है, ये अप टू 1 मीटर तक पानी में रह सकता है, और वहीं पे 11 के अंदर IP68 की रेटिंग है, ये 2 मीटर तक के पानी में रह सकता है अप टू 30 मिनट्स वाला वो हिसाब, तो थोड़ा सा फर्क है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई मत लेके जाया करो स्विमिंग पूल में, खराब हो जाता है फिर दिल को और चोट पहुंचती है, थोड़ा बहुत हो गया गलती से गिर गया दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ के मत करना। अब देखो रियल वर्ल्ड टेस्ट की बात करें तो यहां पे सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि भाई फोन्स के सपोर्ट के ऊपर, तुम्हारा जो आईफोन 10R ये लॉन्च हुआ था 2018 में और आईफोन 11 लॉन्च हुआ 2019 में, एक साल का फर्क है, तो आपको मान के चलो जो 11 है उसके अंदर एक साल ज्यादा तक के अपडेट्स मिलेंगे और वहीं पर 10R के अंदर एक साल कम तक के अपडेट्स मिलेंगे, अबाउट देयर लाइफ साइकिल जो भी रहेगी 5 से लेकर 6 साल की। तो इस हिसाब से यार अभी अगर हम देखें एक नॉर्मल डे टू डे हिसाब से, तो भाई मेरे लिए जो है ना आईफोन 11 और 10R में से 11 ज्यादा बेटर निकल कर आता है। वहीं पर एक और चीज है भाई, यहाँ पे भाई दोनों ही फोन के अंदर 5G का सपोर्ट नहीं मिलता, ये यार बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइम पर कि दोनों ही फोन के अंदर हमको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता और आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार अगर आप लोग 5G नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा होगा, तो इस हिसाब से भाई आईफोन 11 एक अच्छी पिक बन जाएगा। ओके सो भाई अब फाइनली लास्ट के अंदर जब बात आती है तो दोनों ही फोन्स का कंक्लूजन अगर मेरे से मांगोगे तो डेफिनेटली प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो आईफोन 11 भाई इस टाइम पर बहुत ही एक अच्छी चॉइस बन जाता है ओवर द 10R। बट अगर आपका भाई बजट नहीं है, अगर आपके पास बहुत कंस्ट्रेंट है, लेकिन आपको आईफोन का मजा लेना, बिकॉज हाँ देखो मजा चखना सबको होता है, ऐसा नहीं कि आईफोन 10R बुरा है, आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा मजा चखना है, बट हाँ अगर आपको लंबे समय तक के लिए एक अच्छा आईफोन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई आईफोन 11 बेस्ट चॉइस है इस टाइम पर, ये ले लो और आपकी जो ऐसे कह सकते हो जिंदगी है वो एप्पल से मस्त भर जाएगी। तो बस यार यही थी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय बाय।